जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज तैयार होकर थोड़ा निकला था, यहाँ थोड़ा यार स्नीजिंग शुरू हो गई है, मतलब पुणे में। पता नहीं मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा एलर्जिक। एक दो साल से पहले ऐसा होता नहीं था, बट अभी क्या है कि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, बट कुछ नहीं है, एंटी एलर्जिक टेबलेट्स चल रही हैं और खुद ब खुद ठीक हो जाता है। एक हफ्ते, कभी दो हफ्ते कुछ नहीं होता। और ऐसा होता है कि नाक से पानी जाता है और छींकें आती जाती हैं, स्नीजिंग, मतलब एट ए स्ट्रेच 10-10, 15-15 छींकें जाती हैं। तो अभी तैयार होके निकला हूँ मैं, रास्ते में था तो मैंने सोचा मैं ज़रा पहले आप लोगों से बात कर लूँ। आज मामला थोड़ा सा सीरियस है, आज जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ वो रीज़न भी आपको बताऊंगा। बट ये मैं आप बता दूँ कि आज मैंने अपनी गाड़ी में 6 साल पुरानी तलवार रखी है। वो तलवार मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करी थी कुछ 6-7 साल पहले शायद। वो बोल रही थी कि अगर आपसे नहीं रहा जाता तो फिर एटलीस्ट ठीक है मैं ही आपको गिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ और लेने के चक्कर में था, वो महंगा पड़ रहा था। तो उसने बोला कि नहीं, मैं कुछ आपके लिए ढूंढ के आपको गिफ्ट करती हूँ। तो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, बीच बीच में पड़ी भी कभी, पर उसके बाद कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो तलवार निकालनी पड़े। आज जाना पड़ रहा है, एक फ्रेंड को भी लेना है मैंने साथ में, मिलाता हूँ उससे भी आपको। क्या माजरा है, मिलते हैं, मिलके एक बार अच्छे से दिखाऊंगा आपको। तो ये हिंजवाड़ी का ट्रैफिक कम नहीं होता, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, आज वैसे थोड़ा सा कम है। ये तो अरे वाह, क्या धुआं छोड़ा ट्रैक्टर है। बारिश पता नहीं क्यों नहीं शुरू हो रही, नहीं तो पुणे में अभी तक जो है वो बारिश कहर ढा चुकी होती है अपना, मतलब स्टार्ट हो गई होती है, मॉनसून शुरू हो जाता है, चलता है 4-5 महीने। मैं जा रहा हूँ हिंजवाड़ी फेज 1, बट पहले रास्ते से यहाँ से फ्रेंड को पिक करना है, फिर हिंजवाड़ी पहुँचते हैं जरा। और एक और सिग्नल, ये ऑटो वाला कहाँ जा रहा है? अरे भाई, अरे कितनी जल्दी है भाई, मेरे को तो ये समझ नहीं आता यार, कसम से यार, पीछे से आके ऑटो आगे लगा दिया इसने गाड़ी की। चलो कोई बात नहीं, हमें ही इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको तो कुछ बोल नहीं सकते भाई। चल मेरे दोस्त, चल तू जीत ले। सिग्नल ऑन है और ये देखो क्या बात है, खतरों के खिलाड़ी। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारे बीच आ चुके हैं गौरव जोशी जी। जोशी जी, हेलो सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप कैसे? सब बढ़िया। हाँ, इंतज़ार तो नहीं कराया ज़्यादा मैंने? नहीं नहीं सर, हो गया, अभी पीजी से उतरा मैं। अच्छा, उतरा है। हाँ, कहाँ चलने वाले सर? तो जोशी जी, आज जाना तो है स्नूकर क्लब में। हाँ। तो आपको वो दिखाते हैं फिर क्या करना है जाके। और आप तलवार लेके निकलने वाले थे? हाँ, निकले तो हैं, बट आज यूज क्यों करना पड़ रहा है वो आपको दिखाएंगे जाके, एक बार पहुंच जाते हैं और कहाँ पे यूज होगा ये भी दिखाएंगे। और शुगर क्लब भी है यहाँ पास में ही है। हाँ। ठीक है। हाँ। चले, चलो ओके। यस, तो जोशी जी, तलवार हाथ में पकड़ के कैसा लग रहा है? जबरदस्त है सर, तलवार तो जबरदस्त है, पैकिंग भी जबरदस्त। खोलो जरा इसको जोशी जी, आप तो सीरियस ही हो गए थे यार, थोड़े थोड़े तो हो गए थे मुझे लग रहा है। तो सीरियस हो गया था ना थोड़ा सा? बिल्कुल सर। अरे वाह, ये तलवार का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा भी निकाल दो सर। दूसरा हिस्सा भी निकालो, क्या बात है, क्या बात है। ये रहा जोशी जी का, ये रही तलवार, मेरी 6 साल पुरानी तलवार है ये, और ये जोशी जी के हाथ में, जोशी जी इसको असेंबल कर रहे हैं। और मैदान यार, ये रहा मैदान, ये रहा मैदान। जैसी जी, कैसी लगी मेरी तलवार? सही है। जैसी जी, कैसी लगी मेरी तलवार?
मस्त है सर। सही है। हाँ, 6 साल पुरानी तलवार। तो मैं इस तलवार की कहानी बताऊँ आपको। हाँ, मेरे को ना खेलने का शौक चढ़ा। खेलता तो मैं मतलब स्कूल टाइम से हूँ, स्नूकर और पूल। क्या हुआ कि वाइफ को लगा बर्थडे में गिफ्ट देना चाहिए, इसको क्या दें। तो मेरी वाइफ ने ये मुझे स्टिक गिफ्ट करी। हाँ, और ये कितने की होगी बता सकते? अंदाजा तो नहीं है सर। ये कुछ ऐसे है 3,000 रुपये। 3,000 की? बहुत है ये सर। ये तो 3,000 की स्टिक है। हाँ। और वाइफ ने मेरे को गिफ्ट करी और 6-7 साल हो गया। मुझे लग रहा है मैं इसको लेके 3 बार भी नहीं आया। हाँ। अगर मैं स्नूकर खेलने भी आया ना तो स्टिक लेके नहीं आया। हाँ। स्टिक घर पे होती थी। आज से तलवार मैं सोच रहा हूँ कि मैं रखूंगा गाड़ी में, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ खेलूंगा। इससे यूज होते रहना चाहिए। यूज होते रहना चाहिए। ये आज हमारी तलवार। हाँ। और इसके साथ आज हम मैदान में उतरे। मैदान में उतरेंगे। अब कहाँ है जंग? जंग कहाँ है? जंग का मैदान। जंग का मैदान। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? इस बॉल के पीछे हूँ मैं, इस बॉल के पीछे। ये 13 नंबर मतलब यहाँ से नहीं जा रही है, यहाँ से।
तो अभी जस्ट तलवारें चला के हम निकले बाहर, तो दो घंटे तक तलवारें चली हमारी दो हाथ हमने भी। तो जोशी जी कैसा लगा आपको मेरी खानदानी तलवार चला के? बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा तो। मैं तो फर्स्ट टाइम खेला है ये स्नूकर क्लब नहीं गया था कभी। हाँ। तो इसमें पूल स्नूकर पहली बार ट्राई किया। हाँ। तो कोई तलवार ववार नहीं है हमारे पास, अब तो आपको पता चल ही गया, सिर्फ मजाक ही चल रहा था, तलवारें कहाँ से होगी हमारे पास। स्नूकर स्टिक को हमने अपनी तलवार बनाया। हाँ। तो स्नूकर स्टिक जो थी वो ही तलवार थी, हथियार चलाए आज। लेकिन बट कैसा, अच्छा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, वेरी गुड, गुड यार, पसंद आया जोशी जी को। हाँ। चलो जी आज का दिन यही खत्म करते हैं, और अभी भूख लगी है बहुत, घर भी जाना है क्योंकि घर वाले तैयार बैठे होंगे। हाँ। जोशी जी आपका साथ यही तक था, अभी आपको ड्रॉप करेंगे और मैं जाऊंगा घर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और मस्त रहिए। बाय बाय बाय।